वैसे बीएससी नॉन मेडिकल पर एक डिटेल्ड वीडियो है कि कौन से आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपका क्वेश्चन भी क्लियर है, आंसर भी क्लियर है कि आपने एक लिखा है कि मैथ और साइंस आपको चाहिए है ना, इक्वली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल बन सकते हो, लेकिन आपको साइंस पहले लिखना होगा क्योंकि साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट बनेगा, मैथ्स आपका माइनर सब्जेक्ट बनेगा जब आपने बीएड में एडमिशन लेनी है। बाद में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप साइंस के लिए भी एलिजिबल हो, मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हो, 3 साल भी पढ़े हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो तो आप मैथ करके आप दोनों के लिए एलिजिबल हो सकते हो, मैथ पीजीटी, मैथ टीजीटी। अगर आप साइंस में फिजिकल साइंस में जाना चाहते हो तो आपको बीएड में फिजिकल साइंस रखनी पड़ेगी और साथ में आपको एमएससी केमिस्ट्री या फिजिक्स करनी पड़ेगी। इस पर डिटेल्ड वीडियो है, इसके साथ ही नीचे लिंक होगा मेरे ख्याल में, वो एक बार आप ज़रूर देख लें। ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं जो मैं उस वीडियो में पूरी तरह डिस्कस करके आया हूँ, तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको साइंस मेजर फिल करना पड़ेगा। थैंक यू।